पंजाब के फिरोजपुर में पीएम मोदी की होने वाली रैली को भारी बारिश के चलते स्थगित कर दिया गया है। रैली के स्थगित होने के बाद पीएम का काफिला पंजाब से वापस दिल्ली जाने के लिए फिरोजपुर के हुसैनीवाला से गुजर रहा था, तभी पीएम की सुरक्षा में बड़ी चूक सामने आई और पीएम का काफिला फ्लाईओवर पर करीब 15 से 20 मिनट तक वहीं फंसा रहा। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि आज सुबह पीएम मोदी बठिंडा पहुंचे, जहां से उन्हें हेलीकॉप्टर से हुसैनीवाला के राष्ट्रीय शहीद स्मारक जाना था, लेकिन बारिश और खराब विजिबिलिटी के चलते पीएम ने करीब 20 मिनट तक मौसम साफ होने का इंतजार किया और जब मौसम में सुधार नहीं हुआ तो तय किया गया कि पीएम सड़क मार्ग से राष्ट्रीय शहीद स्मारक का दौरा करेंगे। वहीं इस पूरे वाकये के बाद पंजाब के डिप्टी सीएम सुखजिंदर रंधावा का कहना है कि पंजाब पुलिस और एसपीजी में तालमेल की कमी के चलते ये चूक हुई, इसमें जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पीएम की रैली रद्द होने पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने मंच से लोगों को बताया कि खराब मौसम के चलते प्रधानमंत्री हमारे बीच उपस्थित नहीं हो रहे हैं, लेकिन पीएम ने कहा है हम ये कार्यक्रम रद्द नहीं स्थगित कर रहे हैं। एक बहुत बड़ी सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आने के लिए बहुत उत्सुक थे। उसकी इच्छा थी कि मैं फिरोजपुर जाऊं, यहां की जनता की सुविधा के लिए एक पीजीआई का सब सेंटर सैटेलाइट सेंटर का शिलान्यास करके आऊं, उसके अलावा दो हाईवे रेलवे कुल मिला के 83,000 करोड़ का विकास कार्य का शिलान्यास आज करने के लिए प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में आ रहे थे। उसकी बहुत इच्छा आप सब लोगों को मिलने की भी थी, लेकिन कई कारणों से प्रधानमंत्री जी हमारे बीच में उपस्थित नहीं हो रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि फिर से ये कार्यक्रम हम कैंसिल नहीं कर रहे हैं, ये कार्यक्रम को हम पोस्टपोन कर रहे हैं और फिर आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने इच्छा रखी है कि आप सबके बीच में वो अवश्य आएंगे। मैं आप सभी से क्षमा चाहूंगा कि प्रधानमंत्री जी कई कारणों से आपके बीच में नहीं पहुंच पाए हैं और यहाँ हम कार्यक्रम आज नहीं कर पाएंगे। आप सबके बीच में मैं फिर से एक बार रिग्रेट करता हूँ और कार्यक्रम खत्म करता हूँ। ब्यूरो रिपोर्ट, माय भारत।